एक कलयुगी मां का नया कारनामा सामने आया है। इस मां को इतना गुस्सा आया कि इसने अपनी 8 माह की बच्ची की हत्या कर उसके शव को नाले में फेंक दिया और फिर कहानी बना दी कि बच्ची गायब हो गई है। घर के कमरे में लेटी 8 माह की मासूम बच्ची घर से अचानक गायब हो गई। इसके बाद उसके परिजनों ने बच्ची को अगवा करने की आशंका से थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। हिंडाल्को महान में कार्यरत राम लला तिवारी की पत्नी मधु तिवारी दोपहर घर के बाथरूम में कपड़े धो रही थी। जब वो कपड़े धोकर बाहर निकली तो बच्ची कमरे से गायब थी। काफी खोजबीन के बाद भी बच्ची का पता नहीं चला तो परिजन बच्ची की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाने गए। बरगवा इंस्पेक्टर विद्या बारिधि तिवारी ने बच्ची की खोजबीन शुरू कर दी है। इधर बच्ची की मां ने रात को अपने पति को बताया कि उसने क्रोध के कारण बच्ची को पानी में डुबाकर मार डाला और बच्ची के शव को बोरी में बंद कर उसे नाले में फेंकाई है। इसके बाद बच्ची के पिता ने पुलिस को सूचना दी। बरगवा निरीक्षक ने महिला की निशानदेही पर घर से कुछ दूर नाले में बोरी में लिपटा बालिका का शव बरामद कर लिया। कल थाना में रिपोर्ट हुई, रामलला तिवारी जी हैं, उन्होंने रिपोर्ट लिखा कि मेरी 8 महीने की बच्ची मधु तिवारी है, वो घर में थी, अचानक घर से लापता हो गई और पत्नी भी घर में थी लेकिन वो बाथरूम में कपड़े धोने गई थी। तो इसकी रिपोर्ट पर हमने तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दिया और FIR कायम की 363 की। अब पूरी सरगर्मी से हमारी तलाशी चली, सारी टीम लगा करके और विवेचना करते हुए चारों तरफ से कहीं से कोई उसका लिंक नहीं मिला था। फिर विवेचना करते समय हम लोगों ने उसके जो पत्नी है मधु तिवारी की माँ मोनू तिवारी, उनके हाव भाव और उनके जेस्चर संदिग्ध लगा, उनसे पूछताछ पति के समक्ष कराया गया। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।